हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम दास, आप सब लोगों का स्वागत आपका ही चैनल वर्कशॉप ऑन क्राफ्ट्स वर्क में। मैं आपको एक रिलीफ काम के बारे में बताएंगे कैसे काम करना है। पहले आप ये देखिए, रिलीफ वर्क को देखिए। ये सारे मैसुएट बोर्ड के ऊपर बना हुआ रिलीफ है। एक्चुअली ये मिक्स मीडियम हैंड स्कल्पचर है, ठीक है। तो मिक्स मीडियम क्या होता है? मिक्स मीडियम मीन्स अलग अलग जो मेटेरियल को आप एक साथ मिक्स करके एक नया मेटेरियल होता है, उसको बोलते हैं मिक्स मीडियम। वो मीडियम को देके हम लोग ये काम किया है। मेरा जो मीडियम जो है, ये क्या मीडियम है? मेरा जो है पेपर मैश है, रेजिन है, मार्बल पाउडर है, मेटल डस्ट है। ये तीनों को मैं मिलाया, एक साथ मिला करके एक डो बना। ये डो के बाद वो डो से हम लोग ये काम शुरू किया, ये बोर्ड के ऊपर रिलीफ बनाया। तो पहले देखिए, ये काम को बारे में मैं बोलता हूँ, ये एक्चुअली कोई एबोरिजिनल वर्क नहीं है। ये डोकरा जो वर्क होता है, डोकरा एक फ्लैट वर्क होता है डोकरा में, उसका कोई वॉल्यूम मतलब शेप्स तो है, शेप्स के अंदर जो अलग अलग जो शेप्स जो है ना वो नहीं होते, एक फ्लैट होता है। और बेंगाल का एक पॉट होता है, वो भी फ्लैट पॉट पेंटिंग, वो भी फ्लैट होता है। जैसे ये सब जो ये फेस के ऊपर जो वॉल्यूम्स जो है, शेप्स जो है, वो शेप नहीं रहता है, फेस रहता है, फ्लैट रहता है। तो बेंगाल का जो पॉट जो है वो और जो डोकरा जो है, ये दोनों को मिक्स करके फ्यूजन करके एक नया एक कैप्स मैंने ये बनाया, ठीक है। तो ये जो काम जो है, ये रिलीफ वर्क करने के लिए कैसे करना है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कैसे ये काम करना है। इसका जो पेंटिंग जो है, इसके जो कलर्स जो है, ये मेटल कलर है। ये कलर भी बहुत गॉर्जियस कलर है और ये टोटली वेदर प्रूफ कलर है, ठीक है। पहले आपको मैं बताता हूँ ये काम को करने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग का सेंस जरूरी होता है। ड्राइंग और ये स्कल्पचर थोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी होता है। मैंने ये काम करने के लिए एक बेसिक ड्राइंग का अप्लाई किया, एक बेसिक ड्राइंग जो सबको आ जाएगा बोलने से। वो ड्राइंग को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, काम को कैसे करेंगे। जैसे देखिए, ये इसमें जो है, इसमें एक म्यूजिक का एक सेट है, तो इस पर एक तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम है, जैसे ये हारमोनियम ऊपर है, हारमोनियम के नीचे लेग्स है, और ये लेग्स और हारमोनियम के ऊपर ये हाथ है, ये जो हैंड्स है। तो इसको हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, इसके हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहले इसको फॉलो करने से पहले मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ड्राइंग करना जरूरी है, बोर्ड के ऊपर ड्राइंग करना जरूरी है। और ड्राइंग सही रहेगा तो आपको स्कल्पचर भी सही होगा। चलिए देखते हैं, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। पहले जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये जो बजा रहा है हारमोनियम, या नहीं तो ये कोई भी एक ड्राइंग को मैं दिखाता हूँ। नंबर वन ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, नंबर टू
नंबर थ्री एंड नंबर फोर देखिए ये ड्राइंग में ये चार जो मैंने ड्राइंग किया है इनमें से सिर्फ एक ही ड्राइंग सही है, बाकी तीन गलत है। तो हम कैसे समझेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ये कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको पकड़ने के लिए हमको जानकारी चाहिए कैसे हमको इसको रीड करें। ओके, पहले हमको बताता हूँ ये जो एक फिगर जो है, फिगर में मैंने ये जैसे ये सब स्कल्पचर जब आप करेंगे कोई भी फिगर को मैंने दो बेसलाइन ड्रॉ किया, दिखाता हूँ। ये बेसलाइन शोल्डर के ऊपर कंधे से एक, ये एक बेसलाइन है और ये एक बेसलाइन है, ये दो बेसलाइन है। ये दो बेसलाइन के ऊपर हम ये जो है देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहले आपको दिखाता हूँ, कोई पोज दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कोई भी आप जब बनाएंगे, कोई भी चीज जब बनाएंगे फिगर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके जब कोई भी बैठेगा, कोई बजा रहा है ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे पाँव पे भजा रहा है, तो ये जो है ये बेसलाइन हो गया और कंधे के ये बेसलाइन है, ये बेसलाइन हो गया, ये जो बेसलाइन है बेसलाइन से नीचे है। ठीक है, और ये जो बेसलाइन जो है मैंने जो किया और ये बेसलाइन से ऊपर है, तो एक बेसलाइन के नीचे है और एक बेसलाइन के ऊपर है। बेसलाइन के ऊपर जो है मतलब वो पाँव ऊपर है और बेसलाइन के नीचे जो है वो जमीन पे है, ये दोनों ध्यान रखिए। और ये कंधे का जो बेसलाइन जो है ना, कंधे कोई बजा रहा है तो ये बेसलाइन हो गया कंधे, ये जो बेसलाइन है और ये जो हैंड्स जो है ये कंधे के नीचे जा रहा है, ये बेसलाइन है, ये हैंड्स ये, तो ये पोर्शन क्या है बेसलाइन के नीचे है। तो जब बजा रहा है एक बेसलाइन के नीचे, कंधा ये जो हैंड्स जो आएगा ये बेसलाइन के नीचे जाएगा। तो अगर ऐसे करके कोई बजा नहीं सकता, ये बेसलाइन जो है ये ऐसे ऊपर उठा नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं होता कभी भी ऐसे। ये राइट पोस्चर है, ये बेसलाइन, ये जो बेसलाइन है ये बेसलाइन से ये नीचे जा रहा है, ये बेसलाइन से ये नीचे जा रहा है, तो ये राइट पोस्चर है। और ये कभी भी ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये हो ही भी नहीं सकता, ये कभी भी नीचे जाएगा ही नहीं। और ये जो जमीन पर है ये कभी ऐसे ऊपर करके ऐसे होगा नहीं, तो ये आप ध्यान रखिए। तो उसके देखिए अभी मैं ये पिक्चर को हम देखते हैं पे कहाँ गलत है कहाँ सही है। अभी हम चलते हैं, देखिए कौन सा यहाँ पे सही है गलत है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो बेसलाइन जो है, बेसलाइन के नीचे नीचे वाला जो हाथ जो है देखेंगे, नीचे वाला हाथ ये बेसलाइन है, ये हाथ ऊपर हो गया तो ये गलत है। ये बेसलाइन मैंने खड़ा कर दिया, ये जो बेसलाइन के ऊपर चला गया तो ये लेग्स बेसलाइन के ऊपर चला गया, ये गलत है। ये बेसलाइन के ऊपर है, ये ऐसे ऊपर बजा रहे थे मैं जब दिखा रहे थे, ये मान लीजिए कि ये सही है लेकिन ये गलत है। अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, दोनों में से एक को पकड़ना पड़ेगा। जो जमीन पे है, अगर ये जमीन पे है ये गलत है, जमीन पे नहीं है ऊपर उठ गया। अच्छा ये देखिए, ये बेसलाइन के थोड़ा सा टच करके है, ये भी गलत है। ये देखिए ये बेसलाइन के नीचे है ये ठीक है, लेकिन ये बेसलाइन के ऊपर जो पाँव ऊपर खड़ा था वो नीचे आ गया बेसलाइन के, ऐसे करके होता नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये सही है, ये हाथ बेसलाइन जो है बेसलाइन के नीचे है ये सही है, ये हाथ सही है, ये बेसलाइन के बराबर है, ये हाथ गलत है, बेसलाइन के नीचे जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर में ये जो हैंड्स जो है ये बेसलाइन के नीचे है,
ये सही है, ये बेसलाइन के ये जो लेग्स है ये बेसलाइन के नीचे है और ये बेसलाइन के ऊपर है, मैं जो आपको ऊपर दिखा रहा है ये सही है, तो ये सही है। इसके बाद हम लोग जब बनाएंगे पिक्चर इसको देख के बनाएंगे, तो ऐसे करके ड्रॉ करके उसके ऊपर हम वो मेटेरियल देके बनाएंगे। तो आपको अगले वीडियो में आपको मैं वो दिखाएंगे कैसे ये पिक्चर कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, मैं अगले पिक्चर में मैं आप लोग अगले क्लास में आपको वो दिखाएंगे।